हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो कल का भी जो आपका सीआईएसएफ का जो नोटिस आया था कि बजट के चलते आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल या पोस्टपोन किया जा रहा है, तो आपका वो कब तक होने वाला है आइए बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सीआईएसएफ का एग्ज़ाम पहले तो ये देख लीजिए, अभी मैं स्क्रीन शॉट लगा दूंगा एक स्क्रीन पर। तो क्यों पोस्टपोन किया गया है, तो वहाँ पे साफ साफ उन्होंने नोटिस में लिखा है कि बजट के चलते जो फाइनेंशियल ईयर जो नया लग रहा है उसके चलते हम एग्ज़ाम अभी नहीं करा पाएंगे। वैसा क्यों हो सकता है? और एक तो 11-12-13 को आपको एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम होने वाला था, तो 10th को सीआईएसएफ डे है। पहली बात तो अगर इस वजह से कैंसिल हुआ होता तो पहले से पता होता, क्योंकि अगर किसी का जन्मदिन आता है, ऐसे मान लो कि 10 मार्च को आपका सीआईएसएफ का जन्मदिन है, अगर किसी का जन्मदिन रहता तो पहले से ही पता रहता है, तो ये मतलब ये मैटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले से पता होता तो वो 11-12-13 में एग्ज़ाम ना करवाते। तो मेन रीज़न वही लिखा है उन्होंने उसमें कि बजट के चलते वो एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे अभी। अब ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो आपका कंपनियां होंगी, जैसे अभी सीआरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ है तो उसका टीसीएस ने लिया है, वैसे अगर इस मतलब इसका भी किसी कंपनी ने मांगा होगा तो शायद पैसा ज़्यादा मांग रहे होंगे, या फिर कोई उन्होंने मतलब उन्होंने ये भी पता चला है कि जो मतलब कंपनियाँ थी वो पैसे ज़्यादा मांग रही थी, कि जैसे कैमरा हो गया आपका, बच्चों का जो पेपर है वो भी छापना होता है उन्हें, तो उस वजह से इस बजट में वो जो कह रहे हैं कि इस बजट में अब उनका जो फाइनेंशियल ईयर जो नया लगेगा वो मई के बाद लग जाएगा, वो मार्च के बाद लग जाएगा, तो शायद उसमें और निकल की डेट आ रही है कि 15 मई को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप अभी निराश मत होइए, अपने तैयारी करते रहिए, क्योंकि होता है दुख होता है भाई, 2019 से पेपर लटका हुआ था, फिर अभी भी हुआ नहीं, अभी 11-12-13 तक होने वाला भी था, 2 मार्च को उन्होंने नोटिस दे दिया कि अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाएगा, तो अभी आप अपने उसमें लगे रहिएगा। और अगर कोई दिक्कत, जैसे अभी वो बीएसएफ एससीएम का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया था, अब शायद वो हो सकता है, क्योंकि अगर सीआईएसएफ का अगर हटा दिया तो शायद बीएसएफ का करा दें, लेकिन अगर उसका भी आना होता तो अब तक एडमिट कार्ड आ चुका होता। कल के वीडियो में मैंने जैसे बताया कि पीएचटी का रिजल्ट पहले ही देते वो, लेकिन उन्होंने रिजल्ट 1 मार्च को इशू किया, तो इसका मतलब अभी भी वो बीएसएफ का जो 98%, अब मैं कह सकता हूँ या 90% चांसेस हैं कि वो पोस्टपोन वो भी हो सकता है आगे के लिए। अगर हो गया तो अपनी तैयारी बरकरार रखिए, और अभी मतलब 12 मार्च तक देखते हैं, तब तक अपना पढ़ते रहिए आप, और जहाँ भी रहिए खुश रहिए। सो बस मैं इतना बताने के लिए आया था। तो आपको जो सीआईएसएफ का एग्ज़ाम जो मतलब पोस्टपोन करने की वजह थी, वो मेन वजह यही थी। अभी स्क्रीन शॉट में मैं लगा दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजट के चलते उन्होंने ये एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जय हिंद जय भारत।